अक्सर ये पूछा जाता है कि COVID-19 किस किस इंसान को ज्यादा होने का चांस है। वेल, जिसको भी क्रॉनिक लिवर डिजीज है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या जो 60 की उम्र से ज्यादा है, ऐसे लोगों को COVID-19 होने का ज्यादा चांस है। अब इसके लिए क्या लाइफस्टाइल इस्तेमाल किया जाए कि जिससे COVID-19 ना हो और हमारा लिवर भी बचा रहे। COVID-19 के समय पर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल माने न्यूट्रिशियस डाइट, जिसमें फैटी फूड नहीं होना चाहिए, घी मक्खन तेल वाला खाना नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल मना है। ये COVID-19 के अंदर जो लॉकडाउन है, जो घर पे हम सब हैं, ये एक एक्सक्यूज नहीं है कि हम फैटी फूड तेल वाला खाना फास्ट फूड खाएंगे या एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इनफैक्ट क्योंकि आप घर में हैं, वैसे ही एक्सरसाइज कम हो रही है, तो इसलिए स्पेशली एफर्ट करना पड़ेगा कि ज़्यादा एक्सरसाइज करें। 30 से 40 मिनट हर रोज एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए कोई खास सामान या कमरा या जिम की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी जगह में भी ऑनलाइन आप एक्सरसाइजेस देखें और उन्हें ज़रूर 30 से 40 मिनट तक करें। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि हरे पत्ती की सब्जियाँ खाना ज़रूरी है, ऑलिव ऑयल का सेवन करें, पूरा अन्न जिसमें होता है रोटी, जिसको होल ग्रेन सीरियल बोलते हैं, वो खाएं। तो अगर न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे और बिना अल्कोहल और स्मोकिंग के अपना लाइफस्टाइल चलाएंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे आपको कोविड से बचने के पूरे पूरे चांस हैं और इससे आपका लिवर भी स्वस्थ रहेगा। देखिए, अगर किसी को लिवर की बीमारी है तो दो चीज़ें करना ज़रूरी है। एक तो ये कि अपने लिवर के एक्सपर्ट से फ़ोन पे यानी कि टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन ज़रूर करते रहें हर 5 से 7 दिन में, ये जानने के लिए कि कोई अगर आपको लक्षण आए तो उससे घबराने की ज़रूरत है या नहीं। और दूसरा, अपने घर में भी डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंसिंग यानी कि किसी से आप 6 फीट दूर रहें कम से कम, अपना मास्क लगा के रखें, टाइम पे खाना खाएं, कम से कम 8 घंटे सोएं, और अपने हाथ बार बार साफ करें, धोएं और हैंड रब या सैनिटाइजर से साफ करें, और साफ कपड़े पहनें। जितना पॉसिबल हो अपने आप को स्वच्छ और हाइजीनिक कंडीशन में रखें और दूसरों से कांटेक्ट ना रखें। सारे लिवर की बीमारी बराबर या समान नहीं होती हैं। किसी को अगर लिवर कैंसर है या लिवर फेलियर ज़्यादा बढ़ा हुआ है या जॉन्डिस है जिसमें बिलीरुबिन की वैल्यू 2 या 3 से ज़्यादा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने लिवर एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। और मेरा ये सोचना है कि 70 से 80% जो लिवर कैंसर के ऑपरेशन हैं या किसी भी कैंसर के ऑपरेशन हैं या लिवर फेलियर के लिए लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है, उसमें वेट नहीं करना है, देरी नहीं करना है। कोविड और लॉकडाउन के टाइम पर भी ये ऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है ये वो आपके लिवर एक्सपर्ट ही ले सकते हैं, और उनसे अवश्य कंसल्टेशन करें। अगर लॉकडाउन में ऑपरेशन करा लिया, लिवर का ऑपरेशन हो गया, लिवर रिसेक्शन या लिवर का कैंसर का ऑपरेशन या लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो फिर क्या करना है? फिर भी वही करना है कि अपने आप को घर में अलग कमरे में अलग बाथरूम के साथ जहाँ तक हो सके रखना है। और ये पेशेंट वो हैं जो कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन उनका लिवर का ऑपरेशन या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको घर में प्रिकॉशन लेना है कि सेपरेट रहें, मास्क लगा के रखें, स्वच्छता के साथ हाइजीन के साथ रहें, और अपने हैंड वॉशिंग और हैंड क्लीन सारा टाइम करते रहें,
किसी से गले ना मिलें, किसी के कॉन्टैक्ट में ना रहें, ये आपके लिए भी और बाकियों के लिए भी घर पे अच्छा है। प्लीज प्रिकॉशन लीजिए और कोविड 19 से बचिए, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आपको लिवर डिजीज है या नहीं है, अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो कोविड 19 से बच पाएंगे।